Hello students, today welcome back chapter number 2, the world of animals and plants. We would like to explain about animals and plants, that what are the differences between animals and plants. Okay? Animals and plants both are living things that we have studied in the chapter number 1, that is living and non-living things, but they are different from each other in many ways. And today I am going to tell you the difference between both of them. See, number 1, movement. Animals move and plants also move. Now you will tell that, ma'am, how plants move and animals move? Plant to hilte nahi hai, lekin there is the movement which happen in the plant also and animals also. First, animals like lion roam from one place to another in search of food. Or we human being also. Hum log bhi ek jagah se dusri jagah jaate hain khane ki talash mein, rehne ki talash mein, pani ki talash mein. Is it clear? फिर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दस एनिमल्स और ऑल एनिमल्स मूव वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. नाउ प्लांट्स, प्लांट्स नीड नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, प्लांट्स को फूड की तलाश में तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं, पत्ते हिलते हैं, तो ये मूवमेंट तो वही प्लांट की है ना. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्लांट बढ़ते हैं, वो मूव ही कर रहे हैं. दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, प्लांट एक जगह पे फिक्स है. अब ऐसा नहीं है कि आज हमने क्या कहते हैं घर के पीछे आम का पेड़ लगाया तो कल वो कहीं और से घर के आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है. वो वन प्लेस पे फिक्स तो है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मूवमेंट होती है. हाँ, वो सर्च ऑफ मतलब कि वो खाने की तलाश में क्यों नहीं मूव होते, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं उसी जगह पे. कैसे बना लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इजंट इट दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. देखो, एनिमल तो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनका मूवमेंट तो इस तरह से हो गया, लेकिन प्लांट में भी मूवमेंट होता है. जैसे कि आपको मैंने बताया, लीव्स मूव, ठीक है, लीव्स हिलते हैं इधर से उधर, नहीं मतलब जाते हैं, लेकिन वो मतलब पेड़ पर ही हिलती है, तो वो उसका मूवमेंट हो गया. हाँ, पेड़ एक जगह पे फिक्स रहता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज फूड हैबिट. फूड हैबिट मतलब कि किस तरह का खाना, कैसे मतलब कि ये अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए कैसे खाना खाते हैं. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 मैं आपको एनिमल्स के बारे में बता देती हूँ. एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल के अंदर तीन कैटेगरी है. एनिमल के अंदर तीन कैटेगरी है, फूड हैबिट उनकी तीन तरीके की होती है. नंबर 1 कार्निवरस, नंबर 2 हर्बीवरस, नंबर 3 ओमनीवरस. फिर यू लाइक यू आस्क मी दैट मैम व्हाट इज कार्निवरस, है ना. तो कार्निवरस का मतलब होता है कि फ्लैश ईटर. ठीक है, द एनिमल्स विच कंज्यूम, द एनिमल्स विच कंज्यूम फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड एज कार्निवरस. ठीक है, जो जानवर, ठीक है, वो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, या मतलब कि क्या कहते हैं, दूसरे जानवरों की मांस खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्निवरस कहते हैं. ठीक है, यानी कि मांसाहारी. द नेक्स्ट वन इज हर्बीवरस, दैट इज प्लांट ईटर. मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया या उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया. प्लांट ईटर का क्या मतलब हो कि द एनिमल्स दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवरस. हर्बी का मतलब ये होता है कि हर्बी मतलब प्लांट और वरस मतलब कि ईटर. जो जानवर पेड़ खाते हैं या पेड़ से आने वाली वस्तुओं को मतलब वो खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवरस. देन ओमनीवरस, ओमनी का मतलब होता है कि दोनों. ओमनी का क्या मतलब होता है कि दोनों. जो जानवर प्लांट के प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट दोनों को कंज्यूम करते हैं, दोनों को खाते हैं, दैट इज कैटेगराइज्ड इन ओमनीवरस. ठीक है, द एनिमल हु कंज्यूम और द एनिमल हु ईट प्लांट एंड एनिमल्स फ्लैश आर कॉल्ड एज ओमनीवरस. तो इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एनिमल्स के बारे में, ये एनिमल्स के फूड हैबिट है. अब हम प्लांट के बारे में भी बता दें आपको. प्लांट, प्लांट को भी तो खाने की जरूरत है, नहीं तो फिर वो बढ़ेगा कैसे. एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव, ये तो आप जान गए कि एनिमल्स क्या कहते हैं, खाना खा रहे हैं उनकी ग्रोथ
के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए. तो वैसे प्लांट्स को भी तो फूड की जरूरत है, प्लांट्स को भी तो क्या कहते हैं ग्रोथ करना है, अपना डेवलप करना है. तो प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं या आप कैसे पूछोगे, प्लांट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो मैं आपको बता देती हूँ प्लांट क्या करता है. प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है. कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल. लिसन, प्लांट के प्लांट में लीव्स होते हैं और लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कहते हैं सनलाइट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल. इजंट इट, जैसे कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बोथ. ये सारी चीजें प्लांट में होनी, मतलब प्लांट के लिए जरूरी है. किस लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है, फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो का मतलब है कि लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. कौन सी लाइट, नॉट दिस सीएफएल लाइट, सनलाइट की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, मतलब कि फोटो. और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, मतलब कि लाइट की मदद से जब प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद देयर ओन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इन द सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. नोट इट डाउन, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, नोट द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट अपना खाना इस तरह से बना लेता है फोटोसिंथेसिस की मदद से. ठीक है, तो ये किसकी हैबिट हो गई, फूड हैबिट, ये प्लांट की हो गई. और दोनों को फूड हैबिट या दोनों को फूड की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज ब्रीथिंग. प्लांट एंड एनिमल बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग, बट दे ब्रीथ, ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नोजेस और लंग्स. इजंट इट, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन. दीज आर द एनिमल्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग एंड दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग एज वेल. प्लांट ऑल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज प्लांट हैव स्मॉल पोर्स, दैट इज स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स विच हेल्प प्लांट टू रेस्पायर. इज इट इट. देन नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. अब सेंस ऑर्गन की जरूरत क्यों पड़ती है, फील करने के लिए. देर आर फाइव सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन. ठीक है, चाय गर्म है सामने रख दीजिए, आपको पता कैसे चलेगा, व्हेन यू टच द कप ऑफ द टी. ठीक है, तो आपको अगर आपकी स्किन को गर्म लगता है तो आप जान जाते हो कि गर्म है, तो फिर आप नहीं पियोगे, अदरवाइज फिर आपकी टंग भी बंद होगी. हाँ, तो इस तरह से आप महसूस करते हो. फिर आपकी उंगली क्या कहते हैं कट गई, तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ कट गई है. कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो खून बह रहा है. ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि फील करने के लिए, महसूस करने के लिए ज़रूरी है. और वो किससे पता चलता है, सेंस ऑर्गन से. वैसे ही क्या कहते हैं क्या मतलब कि प्लांट्स में सेंस ऑर्गन मतलब नहीं होता है. ठीक है, प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन लाइक एनिमल, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर चेंजेस होते हैं. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई आप कहते हो. ठीक है, इस प्लांट के अंदर चेंजेस होता है या ये प्लांट फील करता है. इसके अंदर भी क्या कहते हैं मतलब सेंस करने की कैपेसिटी है. आप उसको टच करते हो तो वो फील करता है, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप वहां से हट जाओगे तो पत्तियां ऑटोमेटिकली खुल जाती है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई क्या प्लांट की, फील करने की. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है ये आपको मैं बताती हूँ. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स और द प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर्ड पर्सन और एनिमल रिप्रोड्यूस न्यू वन और यंग वन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी स्पीशीज को कंटिन्यू करना है, सर्वाइव करना है, रहना है. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो आपकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जैसे खत्म हो जाएगी. देर आर मेनी एनिमल्स हु हैव बीन एक्सटिंक्ट ऑन दिस अर्थ, जैसे कि डोडो, डायनासोर, ये अब नहीं है. हमने इनके बारे में पढ़ा है, मूवीज में देखा है.
रिप्रोडक्शन नहीं हुआ रहा हो या कुछ भी ऐसे रीजन रहे होंगे कि जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं अभी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। एंड प्लांट, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट एक पेड़ दूसरे पेड़ को कैसे तैयार करता है, विद द हेल्प ऑफ सीड, ठीक है, या मतलब कि सीड कैसे क्या करता है, वो उसको अगर अच्छी कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या कर लेता है, जर्मिनेट हो जाता है और नया प्लांट तैयार कर लेता है, ठीक है। तो इससे प्लांट क्या कर देता है, रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल्स क्या करते हैं, बर्थ देते हैं अपना न्यू बॉर्न, एनिमल जन्म देते हैं, लेकिन प्लांट जन्म नहीं देता, अपना अंडे नहीं देता है, वो बर्थ नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी रिप्रोड्यूस करता है अपनी सीड से। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, बट एनिमल्स डू नॉट हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक। एनिमल की कुछ एज होती है, या हम ही लोग देख लो, वी ऑल आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, ठीक है, हम लोगों की कुछ एज है या लिमिट है कि हम इतने साल तक बढ़ेंगे, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे डिफरेंस है कि मूवमेंट, फूड हैबिट, ब्रीथिंग, सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारे जो है प्लांट और एनिमल्स में दोनों में क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। एनिमल की मूवमेंट का रीजन दूसरा है तो प्लांट का दूसरा है, प्लांट दूसरी तरीके से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फूड हैबिट, एनिमल्स दूसरी तरीके से फूड हैबिट उनकी होती है, कार्निवरस, हर्बीवरस, ओमनीवरस, व्हाइल प्लांट्स डू नॉट हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट फोटोसिंथेसाइज करके क्या कहते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं। फिर एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या कहते हैं अलग तरीके से होती है, तो प्लांट में दूसरी तरीके से। फिर सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या कहते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में डिफर करता है, लेकिन देन ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे पर क्या कहते हैं निर्भर करते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कैसे डिपेंड करते हैं, व्हेन प्लांट्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कंज्यूम्ड, सॉरी, व्हेन एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं एक्सहेल करते हैं जब, तो वो प्लांट ब्रीद करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं मतलब सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस टाइम पे, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो हम उसको क्या करते हैं इनहेल करते हैं, उससे हम सांस लेते हैं। इस तरीके से ये पहले आपको मैं रीजन बता देती हूँ कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। वी प्लांट एंड एनिमल बोथ आर इंटरडिपेंडेंट इन मेनी वेज, दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। थैंक यू।